गुड मॉर्निंग क्लास। आई डॉक्टर रमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। कि कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पूंजीवादी जो अर्थ प्रणाली है, अर्थव्यवस्था है, उसके क्या क्या गुण और अवगुण हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि कैपिटलिज्म के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या है। इससे पहले के टॉपिक में हमने कैपिटलिज्म क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं वो किए थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिसाइड करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। तो देखिए, कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें प्रोडक्शन कह लो या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होता है और प्रॉफिट मोटिव जो होता है वो सबसे मेन होता है। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं एक इकोनॉमी के अंदर वो सारी की सारी प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है और फ्रीडम होती है पूरी की पूरी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। आज बात करते हैं कि इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम की क्या मेरिट्स हैं। पहला मेरिट है कि रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे ज्यादा जो फायदा है कैपिटलिज्म का वो ये है कि कंज्यूमर की टेस्ट के हिसाब से, कंज्यूमर की लाइकिंग के हिसाब से वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं जो उनको सबसे अच्छी लगती हैं। तो नए तरह के प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं क्योंकि कस्टमर किंग होता है कैपिटलिज्म के अंदर। अमेरिका, जापान, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर नए नए प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जो प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होगा वही मार्केट में चलेगा। यूं नहीं है कि आपके ऊपर प्रोडक्ट थोप दिया गया है, बल्कि कंज्यूमर को जो पसंद है वही प्रोड्यूस किया जाएगा और उसमें भी आपको अलग अलग वैरायटीज मिलेंगी। जो नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, जो अच्छी क्वालिटी को प्रोड्यूस करेगा वही आपको मिलेगा मार्केट के अंदर। तो लग्जरीज जो है, आइटम्स जो है, कुछ नेसेसिटी की आइटम्स होती है, कुछ कंफर्ट की आइटम्स होती है, उसके लिए आपको अलग अलग तरह की वैरायटीज मिलेंगी। वैरायटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जिसका प्रोडक्ट बेस्ट होगा वही चलेगा। कुछ सस्ते प्रोडक्ट भी होंगे, कुछ क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट भी होंगे, हर तरह की आपको वैरायटी मिलेगी। यूं नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट आपको दे दिया है क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर प्रोड्यूसर फ्री है कुछ भी बनाने के लिए। आप भी कुछ बना सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपको मौका मिलेगा कि आप भी कुछ बनाइए। तो बहुत सारा कंपटीशन होता है, अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो सारे के सारे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल करवाएंगे, तो जिसका प्रोडक्ट बेस्ट होगा वो बिक जाएगा। गरीब लोगों के लिए कम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, अमीर लोगों के लिए ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला बड़ा प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर। दूसरा, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर जितनी भी आप प्रोडक्शन की एक्टिविटीज कर रहे हो, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप कर रहे हो, चाहे वो कंजम्पशन है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी आप कर रहे हो, वो सारी की सारी उसका एक मेन मोटिव होता है और वो मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो जब हर एक्टिविटी के अंदर आपको ये देखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के अंदर उनका आप ऑप्टिमम यूज करते हो और वेस्टेज कम करते हो क्योंकि आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। प्रॉफिट ज्यादा कब कमाया जाएगा, जब आप वेस्टेज कम करोगे, जब आप एफिशिएंट यूज करोगे। एफिशिएंट यूज मतलब आप उसका अच्छा यूज करोगे, कम लागत के अंदर ज्यादा कमाना और उसका भरपूर यूज करना, कुशलतापूर्वक यूज करना। एफिशिएंटली यूज करने का मतलब है कि आप रॉ मटेरियल कम लगा करके अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, बिजली की खपत कम कर रहे हो, टाइमिंग कम लगा करके अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इस तरह से आप प्रॉपर यूज करते हो रिसोर्सेज का, वेस्टेज नहीं करते। इंड्यूसमेंट टू वर्क, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर काम करने को बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इनके अंदर अगर आप देखोगे हर आदमी लगा हुआ है, हर आदमी चाहता है कि मैं कमाई करूं क्योंकि आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी पैदा कर सकते हो। आपको कहीं भी कुछ भी प्रोडक्ट अगर बेचना है तो गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उसमें काम करने की एक लालसा रहती है, काम करने का एक उत्साह रहता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है,
और उसमें जो आपने जो भी कमाया है वो आगे आप अपने बच्चों को दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है कि मैं जितना भी कमा रहा हूँ वो आगे मेरे बच्चे उसको उसी बिजनेस को संभाल लेंगे। तो ये भी एक अच्छा स्टिमुलेशन रहता है, इसलिए लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इनकम पैदा करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा अमीर होते रहते हैं, उनके पास वेल्थ इकट्ठी होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो आगे उनके बच्चों को मिल जाएगी, तो इससे एक काम करने का उत्साह बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंट प्रोडक्शन। देखिए, कंपटीशन की अगर बात करें तो कैपिटलिज्म के अंदर बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि कोई भी एंटर कर सकता है मार्केट के अंदर, अपना प्रोडक्ट लेकर के आ सकता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो अगर इस तरह इतना कंपटीशन है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हम कहते हैं वो होगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा वही मार्केट में टिक पाएगा। तो प्रोड्यूसर जो है, जब इतना कंपटीशन है तो हर एक प्रोड्यूसर जो है वो क्वालिटी के ऊपर और मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करता है। तो नई नई टेक्निक्स वो लेकर के आते हैं प्रोडक्शन की, ताकि कम उनकी कॉस्ट लगे और क्वालिटी उनकी ज्यादा बढ़िया बन जाए, मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, मोर क्वालिटेटिव स्प्योरिटी उसके अंदर आए, अच्छे प्रोडक्ट वो बनाए। तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, प्रोडक्टिविटी के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, लागत कम लगती है, कम टाइम में अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, कम लागत के अंदर अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, तो उससे प्रोडक्शन जो है एफिशिएंट होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है दूसरों के मुकाबले आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप कम समय में कम लागत के अंदर और ज्यादा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे रहे हो जनता को। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, जब आपको अलग अलग तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटी मिलती है, जब वो प्रोड्यूसर जो है मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अलग अलग प्रोड्यूसर हैं और हर एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाना चाहता है और कंज्यूमर भी उसी प्रोडक्ट को लेता है जो सबसे अच्छा होता है, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। जब आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। और दूसरा, जब इतना कंपटीशन है तो जो कम रेट के अंदर आपको प्रोडक्ट देगा आप उसका प्रोडक्ट खरीदोगे, तो जो गरीब लोग हैं वो उनको भी कम रेट के अंदर प्रोडक्ट मिल जाता है, तो उससे भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। और अगर अमीरों की बात करें तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो ऑलरेडी है उससे भी और ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि वो और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, लग्जरी आइटम्स जो हैं जिनके अंदर ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आई हुई है, मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, मोर टेक्निकल प्रोडक्ट्स दे यूज, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भी ज्यादा इंक्रीज होता है। कैपिटलिज्म के अंदर इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स दिए जाएं ताकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑटोमेटिकली काम करती है। ऑटोमेटिक का मतलब कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड होता है, तो अपने आप एक बैलेंस बनता रहता है। अगर डिमांड ज्यादा है, डिमांड आपकी ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस कम हो जाएगा। तो ये जो प्राइस का कम ज्यादा होना है ये डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ये दोनों आपस में जहां भी टच करती हैं वहां आपका प्राइस बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के ये जो इकोनॉमी होती है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जो है, इस तरह की जो कंट्रीज है, इनके अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है उसके अंदर प्रोड्यूसर जो है वो अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज्यादा है सप्लाई से, तो नए प्रोड्यूसर आ जाएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो उससे वो बैलेंस बन जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर कुछ निकल जाएंगे मार्केट से, फिर वो दोबारा फिर बैलेंस बन जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में मेंटेनेंस जो है अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आपको फ्रीडम होती है, आपको इतनी फ्रीडम है कि आप जो मर्जी प्रोडक्ट बनाइए, जहां मर्जी बनाइए, जिसको मर्जी बेचिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाइए, आप ग्रो कर सकते हैं। तो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये हर हर किसी का सपना पूरा करने के लिए कंट्रीज आगे आते हैं। आपके पास कोई भी आइडिया है, आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको पूरी फ्रीडम है। तो उससे क्या है, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी। आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत कुशलता पूर्वक काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है,
कैपिटलिज्म की सोल क्या है, कैपिटलिज्म का मेन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कंपटीशन। ज्यादा कंपटीशन होगा, जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बना के देगा वही आगे चलेगा, वही प्रॉफिट कमाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो नए नए जो बिजनेसमैन हैं, नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको हम उद्यमी बोलते हैं, जिनको बिजनेस करने की, जिनको एक नया प्रोडक्ट बना करके मार्केट में पैसा कमाने की इच्छा होती है, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो नए नए बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा कॉम्पिटिटिव, ज्यादा डायनेमिक होते हैं, ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो काम करते हैं मार्केट के अंदर, और जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा, सस्ता होगा, वो मार्केट में टिक पाएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम, देखिए हर एक आदमी जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम को एंजॉय करता है कैपिटलिज्म के अंदर। आप अपनी इनकम को किसी भी तरीके से आप चाहें वैसे स्पेंड कर सकते हैं। प्रोड्यूसर जो है अपने रिसोर्सेज किसी भी एक्टिविटी में लगा सकता है, किसी भी सर्विसेज के अंदर वो लगा सकता है। क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, क्यों प्रोड्यूस करना है, वो डिसाइड आप करते हो, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करती। आपको पूरी फ्रीडम है, आप जो मर्जी प्रोडक्ट बनाइए, जहां मर्जी बेचिए, जिस मर्जी को बेचिए, जो मर्जी आप रेट रखिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होगा सब कुछ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल और परचेज के अंदर। कंज्यूमर वो खरीदेगा जो उसको बेस्ट मिलेगा, प्रोड्यूसर वो बेचेगा जो उसने, जहां से उसको प्रॉफिट मिलेगा। सब कुछ ऑटोमेटिकली लेन देन के ऊपर है। आप अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, कंज्यूमर आपको प्रॉफिट देगा। आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। पूरी फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम पूरी है कि आपने क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, आप जो मर्जी दिल करे वो कीजिए। देखिए ये तो अच्छी बातें हुई, अब बात करते हैं डीमेरिट्स की, कि इसमें दोष क्या क्या है। सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो आपकी वेल्थ है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इनइक्वालिटी होती है। जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, उनकी इनकम बहुत ज्यादा, वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रॉफिट कमा कमा के, क्योंकि गवर्नमेंट तो कंट्रोल कर नहीं रही। तो इससे क्या है, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाती है, कुछ लोग बहुत गरीब रह जाते हैं। जिनके पास वेल्थ है उनके पास और ज्यादा वेल्थ हो जाएगी, गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका डीमेरिट्स। दूसरा इसका दोष है क्लास स्ट्रगल। देखिए जब वेल्थ जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, अमीर और ज्यादा अमीर, गरीब और ज्यादा गरीब, तो दो क्लासेस बन जाएंगी। दो क्लासेस मतलब एक तरफ तो रिच होगा जो लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कारों में, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, दूसरी तरफ लेबर क्लास होगी, गरीब होगा दूसरी तरफ, जो क्या कर रहा है, जिसको दो वक्त की खाने की रोटी भी नहीं है। तो दो तरह की क्लासेस इसमें होंगी, एक तो रिच और एक लेबर क्लास। अब देखिए लेबर को कौन यूज कर रहा है, रिच यूज कर रहा है। रिच और ज्यादा रिच हो जाएगा, लेबर और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो इस तरह का अगर चलता रहेगा तो क्या होगा, क्लास स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल मतलब वहां झगड़ा होगा, जो गरीब है वो कहां जाए, इसलिए वो क्या करता है, लूटपाट करता है, स्ट्राइक करता है, लॉकआउट करता है, घेराव करता है। तो उसके अंदर एक आग जग जाती है कि वो गरीब क्यों रह रहा है, अमीर इतना अमीर क्यों हो रहा है, बैठे बैठे लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब जो है वो किसी का घर बना रहा है पर उसके पास घर नहीं है, उसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। तो उसके अंदर एक हताशा पैदा होती है, उसके अंदर एक स्ट्रगल पैदा होता है। तो वो फिर लॉकआउट करता है, स्ट्राइक करता है, घेराव करता है। तो उससे क्या होता है, स्ट्रगल बढ़ता है, अमीरों और गरीबों के बीच में एक द्वंद्व बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है। एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर, सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होता है वो लेबर का होता है कैपिटलिज्म के। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैपिटलिज्म में आप क्या करते हो, लेबर का एक्सप्लोइटेशन करते हो। क्योंकि लेबर जो है उसको पता है, बिजनेसमैन को पता है कि लेबर जो है उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो लेबर या वर्कर कह लो, अपनी लेबर को बेचते हैं बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन को पता है कि अगर मैं लेबर को नहीं रखूंगा तो ये भूख मर जाएगी, तो इसलिए वो उनको बहुत कम वेजेस देते हैं,
इतनी कम देते हैं कि वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से भी कम होती है। और क्योंकि लेबर के पास अपना कोई प्रोडक्शन का साधन नहीं है, उनके पास सिर्फ अपनी लेबर है, अपनी स्किल है, अपनी उनके पास कैपेसिटी है, तो उनको अपनी लेबर बेचनी पड़ती है। तो लेबर क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट होती है कैपिटलिस्ट के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा। वेस्टफुल कंपटीशन, देखिए कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, आप जो भी प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट के अंदर आ सकता है, इससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। कंपटीशन इतना होता है कि जिसका प्रोडक्ट बेस्ट होगा वही मार्केट में टिकेगा, या जिसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचेगी वही प्रोडक्ट बिकेगा। तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। एडवर्टीजमेंट ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए जनता को बता रहे हो, दैट्स ओके, बट आप इतनी एडवर्टीजमेंट करते हो, इतना पैसा लगाते हो एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि बाकी कंपटीटर को आप बाहर निकालने के चक्कर में हो। अब हर 5 मिनट के बाद आपकी एडवर्टीजमेंट आ रही है, आप ही आपकी आ रही है, तो वो वेस्टफुल कंपटीशन है। वहां पे आप रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपया लगा रहे हो, तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटलिज्म के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ती है, इवन तक कि मार्केट में प्रोडक्ट आया नहीं है और एडवर्टीजमेंट पहले शुरू हो गई, तो उससे क्या होता है कि आपके पैसे बहुत ज्यादा खराब होते हैं। बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे खास दोष है कि फ्लक्चुएशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, तो मार्केट के अंदर बूम और डिप्रेशन आता ही रहता है, बूम और डिप्रेशन, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो मार्केट जब ऊपर चढ़ रही होती है, बूम के अंदर होती है, तो आपका आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। और जब मार्केट नीचे होती है, आपने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, मार्केट के अंदर डिप्रेशन आ गया, तो वहां पे प्रोडक्शन कम होता है, इनकम कम हो जाती है लोगों की, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो इससे क्या है, एक इनस्टेबिलिटी आती है, स्टेबल नहीं रहता है सिस्टम। जैसे अगर आपने देखा हो अमेरिका के अंदर 1929 के अंदर द ग्रेट डिप्रेशन आया था, सदी का सबसे बड़ा डिप्रेशन आया था, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। उस टाइम सब कुछ, कोई खरीदने के लिए कुछ बचा नहीं था, प्रोडक्शन पड़ा रह गया। तो इस तरह की जो है इनस्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर चलती रहती है, कभी इकोनॉमी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, वो अपने आप ही कंट्रोल होती है। डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर पब्लिक वेलफेयर का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर का, ये पब्लिक एंटरप्राइज इसको हम बोलते हैं, उसका एक ही काम है प्रॉफिट कमाना। तो जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप बिल्डिंग यूज कर रहे हो, लैंड यूज कर रहे हो, मशीन्स हैं, आप माइंस यूज कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, तो बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा है। पब्लिक वेलफेयर का, समाज कल्याण का, सोशल वेलफेयर का कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट कमाने का ही उद्देश्य है। पब्लिक वेलफेयर को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं बना रहे, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ वो और वो प्रोडक्ट बनाओगे जिसमें प्रॉफिट आपको मैक्सिमम होगा। देश में लोग भूखे मर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं करोगे, आप तो सिर्फ और सिर्फ चीजों के प्रोडक्शन में, एडवर्टीजमेंट में लगे हुए हो ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए बस। किसान भूख मरे कोई दिक्कत नहीं है, गरीब जनता मर जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्या बनाता है, जिसमें उसको प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, जिसको सोसाइटी को इग्नोर करते हैं, प्रॉफिट के ऊपर निगाह रखते हैं बस, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। लास्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए सब कुछ अपने आप हो रहा है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड हो रहा है, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, जो कस्टमर सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। जब ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है तो सेंट्रल प्लानिंग नहीं है कुछ भी। जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है कि किन चीजों का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कब किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, दीज ऑल एलिमेंट्स आर डिसाइडेड ऑटोमेटिकली, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कुछ आइटम्स जो है वो आप बहुत ज्यादा बना रहे हो,
और कुछ एक ऐसी आइटम्स हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तब भी बना रहे हो। कुछ एक आइटम्स ऐसी हैं जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट आपको तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो आप उन आइटम्स को नहीं बनाते। तो एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है कोई भी, कोई देखने वाला नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। प्रोडक्शन का आपने भंडार लगा रखा है, प्रोडक्शन का ढेर लगा हुआ है, जो आइटम चाहिए वो आप नहीं बना रहे, आप सिर्फ वो आइटम बना रहे हो जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ये इसकी खास बात है। सो हमने क्या देखा कि कैपिटलिज्म के अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। बुरी बात यह है कि वेल्थ जो है वो अमीरों के पास ज्यादा रहती है, और कंपटीशन जो होता है मोर डोमिनेंट होता है, और लेबर का एक्सप्लोइटेशन होता है, और बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन भी आते रहते हैं, और पब्लिक वेलफेयर की कोई बात नहीं होती। दीज आर द मेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिज्म। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।